कनाडा और भारत के बढ़ते विवाद के बीच भारत ने कनाडा नागरिकों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक BLS इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने भारतीय मिशन की ओर नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि कनाडा में भारतीय वीजा से संबंधित सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित कर दी गई हैं। कनाडा में भारत के लिए वीजा BLS इंडिया ही प्रदान करता है। नोटिस में आगे कहा गया है कि ऑपरेशनल कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित किया जाता है। आगे की अपडेट के लिए BLS वेबसाइट पर विजिट करते रहें। वैसे पहली बार है जब भारत ने COVID-19 महामारी के बाद वीजा निलंबित किया है। दरअसल कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत पर संगीन आरोप लगाया गया था। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया था। इस आरोप को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत ने कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हो। इससे पहले भी जब कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाते हुए सोमवार को भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करने का आदेश दिया था। भारत ने भी जैसे को तैसा नीति को अपनाते हुए कनाडा के एक वरिष्ठ डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर कनाडा वापस जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद बौखलाई कनाडा सरकार ने भारत में रहने वाले कनाडाई नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उच्च स्तर की सावधानी बरतने का आग्रह किया था। वहीं इस एडवाइजरी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत सरकार ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया। कनाडा के बेबुनियाद आरोपों से भारत पीछे हटने वाला नहीं है। जो संगीन आरोप कनाडा ने भारत के ऊपर लगाए हैं, उसको लेकर संसद के विशेष सत्र के दौरान ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद भारत ने यह कड़ा एक्शन लिया। इसके साथ ही भारत ने कहा कि कनाडा जो आरोप भारत पर लगा रहा है उसके सारे सबूत पेश करें।